आपको पीएफ में अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, क्या ये चेंज करने का काम आपकी कंपनी अपने तरफ से कर सकती है? क्या आप आधार कार्ड लेके पीएफ ऑफिस चले जाओ तो आपका पीएफ ऑफिस वाले नंबर चढ़ा देंगे? क्या आपके पास और कोई ऑनलाइन तरीका है जिससे आप अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं? तो यही सब सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मोबाइल नंबर को चेंज करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि जब आपका आधार कार्ड पीएफ से लिंक हो तो आप फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, और फॉरगेट पासवर्ड करने पे अगर आपकी सारी डिटेल सही होती है तो आपको लास्ट स्टेप के अंदर में आपका मोबाइल नंबर चेंज करने का ऑप्शन आता है। आप बोलोगे आपने बोल दिया लेकिन दिखाया नहीं। आप याद रखिएगा, जब तक मैं दिखाऊं नहीं तब तक मानिएगा नहीं। जो चीज़ दिखा रहा हूँ वही चीज़ सच है और बाकी सब झूठ है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ वेरीफाई कर रहे थे और वेरीफाई करके हमने आधार नंबर डाला और आधार नंबर डाल के हमने फिर मोबाइल नंबर डाला। अब यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है। एरर कह रहा है कि जो आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो वो आपके आधार कार्ड में अपडेटेड नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि हम अपना मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो वो मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से भी लिंक होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरा पहले मोबाइल नंबर था 123, अब मैं उसमें चेंज करना चाहता हूँ 5456। तो हमें पहले अपना 456 वाला मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड में लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद हम आके फॉरगेट पासवर्ड में आएंगे, तभी हमारा नया मोबाइल नंबर लगेगा। अब आप बोलोगे कंपनी क्यों नहीं कर सकती है, कंपनी तो मालिक है, वो तो करना चाहिए, उनको क्यों नहीं करते हैं वो? तो उसके लिए मैं आपको कंपनी का पोर्टल दिखा देता हूँ। देखिए, हम ये कंपनी के पोर्टल पे हैं। यहाँ पे जब आपको पहली बार रजिस्टर किया जाता है तो उस टाइम पे आपका इस जगह पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ मोबाइल नंबर सिर्फ एक बार, शुरुआत में एक बार डालने का ऑप्शन होता है। अगर कंपनी ने जो मोबाइल नंबर यहाँ डाला है वही मोबाइल नंबर आपके पीएफ रिकॉर्ड में रहेगा। अगर कंपनी भी खुद चाहे इसको चेंज करना, अब कंपनी कैसे चेंज कर सकती है, तो कंपनी चेंज करना अगर चाहे या फिर कंपनी देखना चाहे कि हमने क्या डिटेल डाला है, तो यहाँ पे मेंबर प्रोफाइल में जाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे यूएन नंबर डाला जाएगा और यहाँ सर्च किया जाएगा। आप सर्च करेंगे तो यहाँ नीचे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्योंकि मोबाइल नंबर पहले नहीं डाला गया था तो यहाँ पे अभी कोई डिटेल नहीं आ रही है, यहाँ पे मिसिंग डिटेल आ रहा है। तो क्या हम मिसिंग डिटेल में जाके मोबाइल नंबर चढ़ा दें? नहीं जी, नहीं चढ़ा सकते हैं। अगर आपको मैं यहाँ पे टच करके दिखाऊं तो मिसिंग डिटेल के अंदर मोबाइल नंबर चढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूसरा तरीका, पीएफ ऑफिस चले जाओ और पीएफ ऑफिस जाके करवा लो। तो देखो भाई, पीएफ ऑफिस के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो आपका मोबाइल नंबर लगा दे। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है किसी भी रिकॉर्ड को करेक्शन करने का, और उसे बोला जाता है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म। इस जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में आप देखेंगे तो ये सरकारी फॉर्म है, इसमें कहीं भी मोबाइल नंबर का जिक्र नहीं है। अगर आप खुद से इस पे लिख भी देते हो कि ये मेरा इनकरेक्ट मोबाइल नंबर है और ये मेरा करेक्ट मोबाइल नंबर है, तो भी आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं किया जा सकता है। ये चेंज करने का सिर्फ एकमात्र तरीका फॉरगेट पासवर्ड करना है, और वो फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपकी डिटेल बिल्कुल मैच होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप आएंगे, फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, तो यहाँ पे मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप पूरा प्रोसेस को देख सकें, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी स्टेप को छोड़ूंगा नहीं। यहाँ हमने सबमिट किया, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिटेल डाल रहे हैं। आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जा रहा है। अब आपका जो आधार में नंबर होगा वो आप यहाँ डालेंगे। तो ये हमने ओटीपी लेके डाल दिया है और अब यहाँ हम अपने मनपसंद का पासवर्ड बना रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो जो मैंने आपको शुरुआत में इमेज दिखाई थी वो भी इन्हीं का था। वो कैसे था, वो इस तरह से कुछ आ रहा था कि आपका मोबाइल नंबर जो आप एंटर कर रहे हो वह आधार वाले लिंक मोबाइल नंबर से अपडेटेड नहीं है। फिर इनको क्या बताया गया, इनको ये बताया गया कि भाई जाओ अपने आधार सेंटर पे जाओ और अपना नया मोबाइल नंबर लिंक करके आओ। अब हम इसको एक बार खोल के भी देख लेते हैं कि क्या हम इसे खोल पा रहे हैं, जो हमने अभी नया पासवर्ड बनाया है उससे हम खोल पा रहे हैं या नहीं खोल पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सबसे ज़रूरी, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों की, वो होती है कि उनकी डिटेल मैच नहीं हो रही होती है। अगर डिटेल मैच नहीं होगी
तो आप फॉरगेट पासवर्ड नहीं कर पाएंगे और फिर आपका आगे काम नहीं बनेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे सभी चीज़ें ओपन हो चुकी हैं। हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो रखा है और बैंक भी वेरीफाई हो रखा है। और अगर हम फॉर्म भरना चाहें तो हम यहाँ क्लेम फॉर्म सबसे पहले चेक करते हैं, क्या हम क्लेम फॉर्म भर पा रहे हैं, किसी तरह का एरर तो नहीं आ रहा। तो देखिए बिल्कुल साफ है, कोई एरर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे ये अपना क्लेम फॉर्म भी भर सकते हैं।